हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं किसान का बेटा हूं और मैंने किसान में जो काम मैंने करा है एमएलए से विधायक बनने से पहले, मैं कुछ जानकारी दी है और जो तीनों बिल हैं ये किसानों के हित में है। बार बार सरकार भी कह रही है, लोग भी कह रहे हैं, पर मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं दूसरे दलों से जो लोग मानते नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है फसल का कि कैसे किसानों के अनुकूल में है। सबसे बड़ा लाभ ये किसानों का, किसानों को, किसान अपनी फसल को अपनी मंडी के अलावा कहीं दूसरी जगह बेच सकता है, दूसरे प्रदेश से बेच सकता है। अगर मेरी फसल को बढ़िया है तो उसको मैं शहर में डायरेक्ट बेच सकता हूँ, मील में चीजा दे सकता हूँ, मुझे बिचौलियों को बेचे। सबसे बड़ी परेशानी होती है जो बिचौलिया जो बेचते हैं, जो मुनाफा खो रहे हैं, जो बीच में मुनाफा खाते हैं और वो लोग इस तरह का प्रचार बार बार कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश से हम गेहूं लाते हैं, मध्य प्रदेश का गेहूं 25 से 26 रुपए, 27 रुपए किलो है, जिसका आटा बाजार में 35 रुपए किलो मिलता है। मध्य प्रदेश का आटा वहां का किसान 19 रुपए कैसे देगा, 19 रुपए किलो कैसे गेहूं दे देगा। हरियाणा में जो पंजाब के जो लोग हैं उन सब कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। आज बिचौलिया हमारे टमाटर को 20 रुपए के टमाटर को लेकर 80 रुपए बेच देते हैं, प्याज को 20 रुपया लेकर या 30 और 40 रुपए शहर बेचते हैं, अपना चने का खरीद के चने को दूसरे भाव बेचते हैं। तो मेरा कहने का है सबसे लाभ किसानों को है जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने जो राष्ट्रीय किसान मोर्चे के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके नेतृत्व में मैंने काम करा है और 5 साल लगातार काम करा है। हमने कई बार सेमिनार करी है और सेमिनार में 2022 में जो किसान को जो लाभ मिलेगा, जो दुगना जो लाभ मिलेगा, जो मोदी जी के नेतृत्व में स्वामीनाथन जी के बार बार जिक्र होता था, जो 3 अध्यादेश है, उससे सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा और आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। पर कांग्रेस के मित्रों को परेशानी है, अगर मोदी जी भी इसको ले गए, मोदी जी ने 3 अध्यादेश को लेके उनके पास क्या है, होने वाले किसानों को जिनके हाथ में ये जो किसान अपने हाथ में खेती के लिए काम करता था, ट्रैक्टर पर सवार होता, उन लोगों को सड़क पर उतार दिया, उन लोगों के हाथ में रेल की पट्टी पर उतार दिया। ये कांग्रेस के मित्रों ने 72 साल के इतिहास में इन्होंने कभी किसानों का वर्णन नहीं करा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 1250 करोड़ रुपया ओलावृष्टि के नाम से दिए और 950 करोड़ रुपया और सफेद मक्की कपास के नाम दिए, 2000 करोड़ रुपए दिए थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पहली बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो ओलावृष्टि के नाम थे, सफेद मक्की के नाम से जो पैसे दिए, कांग्रेस के मित्र बता दें आपने पूरे इतिहास में 2000 करोड़ रुपए किसान को नहीं दिए। आप किसान कहते थी मत बनिए, किसान को अपने बहुत करीब दिया, आज 6000 रुपए कोई किसान ये बता दें जिसके 6000 रुपए उसकी जेब में खाते में आ जा रहे हैं, जो 1 एकड़ का है, जो 2 एकड़ का है। अगर भारतीय जनता पार्टी, मेरा एक सवाल है कि कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से भी कहा गया कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, कांग्रेस किसानों को बरगला रही है, किसानों को भ्रमित कर रही है, लेकिन एक बात यह है कि जब किसान सड़कों पर उतर रहे हैं तो आप विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जब किसान इन कानूनों के समर्थन में आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि किसान समर्थन कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको आप कह रहे हैं तो विपक्ष ने भड़काए हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कर चाहता हूँ, कांग्रेस को भड़काने वाले किशोरी आदमी थे और कांग्रेस के मित्र थे जो किसान समझ के अपने घर वापस चले गए। अब ये आंदोलन किसान से जो कांग्रेस के मित्र हैं, ये उनके हाथ में आंदोलन है, ये किसान के हाथ में आंदोलन नहीं है, ये बिचौलियों के हाथ में आंदोलन है, ये कांग्रेस बिचौलिए। मंत्री जी लगातार किसान भी पूछते रहे कि बिचौलिए कौन है। आपकी बात सुनिए, आप किसान अपने घर फरीदाबाद के देखिए, पलवल का देखिए, रेवाड़ी देखिए, महेंद्रगढ़ देखिए, दियाणी देखिए, झज्जर देखिए, ये सोनीपत देखिए, अंबाला देखिए, पंचकुला देखिए, कहाँ किसान है। ये 7 जिले के जो लोग हैं वो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। आज किसान नहीं है, कांग्रेस के पदाधिकारी है, वो बिचौलिए है, जिनका जो लोगों का किसान का जो खून चूसते थे, जो किसान को
किसान का शोषण करते थे, आज वो लोग तड़प रहे हैं। अच्छा मूलचंद जी, आपने जिक्र किया कि अंबाला के किसान, कुरुक्षेत्र इलाके के किसान वो धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे। हम लगातार खबरें बता रहे, धान की फसल की खरीद वहां पर नहीं हो रही है, वहां भी किसान, करीबन उत्तर भारत के अधिकतर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर वहां प्रदर्शन किया गया, धान की, बाजरे की फसल की खरीद को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश का एक एक धान का दाना खरीदेंगे ये प्रदर्शन कांग्रेस करे या ना करे, बाजरे का एक एक दाना खरीदेंगे प्रदर्शन करे या ना करे, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किसान के एक एक दाने को ओपी धनखड़ जी बार बार कहते हैं, अपने जेपी दलाल जी बार बार कह चुके हैं, जो हमारे कृषि के अपने जो मंत्री है, कृषि मंत्री है, बार बार कहते हैं हम किसान का एक एक दाना खरीदेंगे, धान का खरीदेंगे, बाजरे खरीदेंगे, मक्का का खरीदेंगे, पर कांग्रेस के लोग ये बता दें आपने क्या करा, आपने कौन से धान बताए, आपने क्या बढ़ाया, एमएसपी बता देना, बाजरे का क्या किया इन्होंने, प्रदर्शन कर रहे हैं सर, जो किसान फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए क्या किया गया आप ये बताइए। अब जो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कृषि कानूनों को लेकर तो प्रदर्शन जारी ही है, लेकिन धान की फसल की खरीद को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नहीं कर रहे हैं जी, ये वो लोग कर रहे हैं जो बिचौलिया लोग थे। ये बिचौलिए कौन है, बिचौलिए जरा समझाइए सर, बिचौलिए कौन है, आड़ती है, व्यापारी कौन है ये? किसान का टमाटर 10 रुपए किलो दिया और शहर में टमाटर 30 रुपए किलो बेच दिया, प्याज महाराष्ट्र से खरीदी, दिल्ली में आके 60 रुपए किलो बेच दी। अच्छा आपने प्याज का जिक्र किया, मैं जून जुलाई का जिक्र करना चाहूंगी। भिवानी तोशाम के किसानों ने प्याज की फसल को खराब किया है, खेत में फसल बिछाकर उन्होंने फसल नष्ट की है ट्रैक्टर चलाकर, भावांतर भरपाई योजना का कोई लाभ किसानों को नहीं पहुंचा है, तो बिचौलिए कौन है, क्या उनको सरकार की जिम्मेदारी उन बिचौलियों को रोके? प्याज टमाटर को कौन उगाते हैं, किसान उगाते हैं ना, जो सब्जी है, फ्रूट है। लॉकडाउन के दौरान किसान मंडी नहीं जा सकते थे सर, आपने क्या किया लॉकडाउन के दौरान किसानों के लिए, आपने क्या किया आप ये बताइए, और जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं आप उनको कह रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2000 करोड़ किसानों को दिए, किसानों की मंडी फ्री करी, किसान अपनी फसल को दिल्ली बेच सकता है, यूपी बेच सकता है, शहर में बेच सकता है, अपने खेत में बेच सकता है, मंडी में जाने के मंडी में बेच सकता है। ये मोदी और मनोहर के नेतृत्व में हुआ सर, तो प्रदर्शन क्यों, किसानों का प्रदर्शन क्यों? बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हो गई थी, तो 1200 करोड़ रुपया किसानों को मारा, बताना कांग्रेस ने क्या करा। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को आपने सुना, फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ, नमस्कार।